अस्सलाम वालेकुम। लोकप्रधान न्यूज़ जो चालू है यूट्यूब पर, उसके 2 साल ख़त्म हो रहे हैं, 3रा साल चालू है। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को हमारे तरफ से शुभकामनाएं, और इसी तरह काम करते रहे लोकप्रधान। अब 3रा साल चालू हो रहा है, जो भी अरे अड़चन आएंगे किसी की भी, तो उसको आप मुलाकात लेके उसका हल करना है। और अच्छे से इस चैनल में जो अभी काम कर रहे हैं, उसी तरह आगे भी काम करते रहना है। हमारे शुभकामनाएं साथ है। नमस्कार, मी अजित कुलकर्णी, प्रहार जनशक्ति पक्ष शेतकरी संघटना शहराध्यक्ष। आज दिनांक 13 तारखेला उद्याच्या येणाऱ्या लोकप्रधान न्यूजला 2 वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्याबद्दल प्रथमतः त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि तळागाळातील लोकांना, जनसामान्य लोकांना जो आपण न्याय देत आहात, तो न्याय असाच देत राहावा। आणि अनेक लोकांची जे तुम्ही प्रसंग जे आहेत, लोकांची अडीअडचणी जे आहेत, ते समाजासमोर मांडता आहात, लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहात, याबद्दल मी तुमचा शतशः ऋणी आहे। आणि लोकप्रधान न्यूजला दुसऱ्या वर्षात पदार्पण होणार, येणाऱ्या 13 तारखेला दुसऱ्या वर्षात पदार्पण करत आहात, त्याबद्दल मी आपला सर्वांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने आणि माझ्या सर्वांच्या टीमच्या वतीने मी आपणाला हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। नमस्कार, मी खालिद मन्यार, प्रहार जनशक्ती पक्ष शहर कार्याध्यक्ष। उद्याच्या 13 तारखेला लोकप्रधान न्यूज चॅनलचं दुसरा वर्धापन दिवस आहे, त्यांना शुभेच्छा देतो वर्धापन दिवसाच्या। त्यांचं असंच उन्नती हो। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जे लोकप्रधान चॅनल एवढं लोकांचं काम केलं, एवढं बातम्या दाखवून प्रशासन जागे आणले, लोकप्रधान चॅनल सर्व आता सोलापूर जिल्ह्यात 1 नंबर आहे, पुणे जिल्ह्यात पण सुद्धा आता 1 नंबर झाला आहे। त्यांना त्यांच्या याच्यासाठी शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मुसीब तांबोळी, प्रहार जनशक्ती पक्ष दक्षिण सोलापूर तालुका अध्यक्ष। 13 तारखेला जे लोकप्रधान चॅनलचं जे वर्धापन दिन आहे, त्यांना सर्वात पहिल्यांदा वर्धापन निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। जे लोकप्रधान चॅनलने जे काम केले जिल्ह्यामध्ये, आजपर्यंत कोणत्याही चॅनलला आम्हाला तरी आमच्या नजरेत कधी दिसलेलं नाही, आणि येणाऱ्या भविष्यकाळामध्ये हे लोकप्रधान चॅनल हे सोलापूर जिल्ह्यातच नाही, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरचे एक नंबर चॅनल यावं, हे आमची म्हणजे आमची मनातली इच्छा आहे। आणि जे लोकांना तुम्ही आजपर्यंत गोरगरिबांचा आणि लॉकडाऊनमध्ये जीवाशी खेळून तुम्ही जे लोकांपर्यंत, तुम्ही जे जनसामान्यापर्यंत जनतेसमोर तुमचं जे काम आहे ते दाखवून दिलं, त्याच्यासाठी अजून एकदा लोकप्रधान उद्याच्या 13 तारखेला दुसऱ्या वर्षी जे लोकप्रधान चॅनल पदार्पण होत आहे, त्याच्यासाठी अजून एकदा हार्दिक शुभेच्छा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद खान पठान, सोलापुर का एक नागरिक और एक व्यापारी के नाते लोकप्रधान न्यूज़ चैनल ये पिछले 2 साल से सोलापुर में जिस तरीके से काम कर रहा है, जो धाड़ासी न्यूज़ दिखा रहा है, जगह जगह पर जहाँ पर भी अत्याचार होता है या जो भी नए नए मामले होते हैं, ये पूरा लोकप्रधान न्यूज़ चैनल हर जगह की न्यूज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। 2 साल में हिम्मत वाला काम इन्होंने किया है। कोरोना जैसे महामारी के अंदर भी उन्होंने पूरी खबरें जो है लोगों को, घर बैठे लॉकडाउन पीरियड में बाहर नहीं जा सकते थे, ऐसे वक्त में लोगों को खबर दिखाई। और ये पूरी टीम को मैं नए इनके 2 साल पूरे होने पर उनको मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले वक्त में भी ये लोग अच्छा से अच्छा काम करेंगे। जहाँ ज़िले के अंदर, शहर के अंदर, बोर्डों में, रस्तों में, जहाँ पर भी कुछ मसले आते हैं, एक स्थानीय लोगों को की आवाज़ बनकर जिस तरीके से लोकप्रधान न्यूज़ चैनल ने काम किया है, मैं सभी टीम को और एक बार मुबारकबाद देता हूं। और आने वाले वक्त में इनको एक ऐसी मेरी दुआ है कि सोलापुर शहर व जिला और यहां तक के पूरे मुल्क के अंदर इनकी न्यूज़ चैनल की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में फैले और भी जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, पूरी दुनिया के कुपरे में इन जाकर अपना काम करें, ये सबको मैं कहता हूँ। और आने वाले नए साल और नए जो इन आगे बढ़ने वाले हैं, इनको अल्लाह और बढ़ाए। मैं ये बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।